हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव। सबसे पहले लर्निंग की बात कर लेते हैं। आज जैसे मैंने 60 मिनट्स का रन किया, तो कई बार क्या होता है कि आपको प्रेशर आता है, नेचर्स कॉल आती है। अब किसी को मोशन आता है तब तो रुकना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होती। बट कई बार क्या होता है, जब हमें सुसु आता है या यूरिनेशन आती है या पेशाब आता है, जैसे भी आप कहना चाहते हैं, तो लोग ना उसको अवॉइड करते हैं और भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज मैंने तो कई बार स्टॉप वॉच तो नहीं, मतलब जैसे घड़ी तो चली रही होती है जब आप रुकते हैं, तो हार्डली 18 सेकेंड्स लगते हैं आपको ठीक से यूरिनेशन करने में। तो उस 18 सेकेंड्स के चक्कर में क्या होगा, आप जो 30-40 मिनट्स का रन कर रहे हैं उसमें, या एक घंटा और भागेंगे वैसे ही प्रेशर के साथ, तो यू विल बी ऑलवेज कंसनट्रेटिंग ऑन दैट। और मेरे को सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ तो रनिंग के टाइम में आते हैं। जैसे मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो मैं रन पे जाता हूँ। एंड आई नेवर कैवर कैरी म्यूज़िक, मतलब आई मे बी बायस और मतलब दैट्स माई ओपिनियन, बट आई डोंट फील समबडी इज़ अ रनर इफ ही लिसन्स टू म्यूज़िक व्हाइल इज़ रनिंग। बिकॉज उस टाइम आपको मौसम इन्जॉय करना है, अपनी मसल्स को फील करना है, अपनी बॉडी को फील करना है, अपने पोस्चर को फील करना है, आपके पास इतने सारे काम होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोचते जा रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है जो प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं हो रही होती, वो मैं रनिंग के टाइम सोच के जाता हूँ और मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ एक घंटे के रन में। और उसके बाद मुझे काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं और फटाफट लिखना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब नेचर्स कॉल आता है और आपको यूरिन आता है, तो आप वेट करके, मतलब रुक के कर लीजिए। और ये मैराथन में भी कर लीजिएगा, जब आप हाफ मैराथन या फुल मैराथन भागते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सा बचना चाहते हैं, तो उसका एक टिप ये है कि आपको पानी की बॉटल हाथ में लेके भागना चाहिए और सिप्स लेने चाहिए, क्योंकि जब आप गैलप करते हैं, मतलब बहुत सारा पानी एक साथ पीते हैं, तो उसके बाद आपको यूरिनेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में भाग रहे हैं, पसीने ज़्यादा आ रहे हैं और सिप्स में वाटर ले रहे हैं एवरी 5 to 10 मिनट्स, फिर आपको कई बार नहीं भी होता। बट जब भी आए, नेचर को रिस्पेक्ट करें। जब भी आप नेचर को रिस्पेक्ट ना करेंगे, चाहे वो नींद हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, आपका बैंड बजना निर्धारित है। और जब भी आप नेचर को फॉलो करेंगे, आपकी सक्सेस जो है वो भी पक्की है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।